देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन में सभी को एक से बढ़कर एक परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आम जनता हो या फिर बॉलीवुड के सेलेब्स, सभी का काम बुरी तरीके से बंद पड़ चुका है लॉकडाउन की वजह से। इसी बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर रौनक रॉय ने भी अपना दर्द बयां किया है। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में दोनों में ही धाक जमा चुके हैं रौनक रॉय, और ऐसे में हाल ही में उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। रौनक रॉय ने आज के हालातों को देखकर दुख जताया है और कहा है, खुद की जान लेना बेहद दुखद है, लेकिन ये किसी भी मुश्किल का हल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज के समय में कई लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच रौनक रॉय ने अपने इंटरव्यू में कई खुलासे भी किए हैं। उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से उनकी कोई कमाई नहीं हुई है। बावजूद इसके रौनक रॉय लगभग 100 परिवारों की लगातार मदद भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, रौनक रॉय ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि मैंने जनवरी से कोई कमाई नहीं की है। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है जो चल रहा था, लेकिन मार्च से वो भी बंद है। मेरे पास जो है मैं वो बेच रहा हूँ, और उन 100 परिवारों के लिए जिनके लिए मैं जिम्मेदार महसूस करता हूँ, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस जिनके आलीशान ऑफिस हैं और ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि हाईवे से 2 किलोमीटर दूर से भी नजर आती हैं, उन्हें ऐसे हालातों में लोगों के लिए सोचना चाहिए और उन्हें मदद करनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें, ये बातें उन्होंने इंडस्ट्री के 90-डे पेमेंट रूल पर अपने विचार रखते हुए की हैं। वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर एक एक्टर के तौर पर आपको अपना किरदार मिला है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है और 90-डे पेमेंट रूल पर साइन किया है, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो पहले नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसे हालात आते हैं तो इन दिनों में चैनल और प्रोडक्शन हाउस को समझना चाहिए कि उनकी टीम के लोगों को ज़रूरत है और उन्हें पेमेंट कर दें। भले ही एक्स्ट्रा पैसे नहीं दें, लेकिन जितना पैसा उनका बनता है उतना तो उन्हें मिलना चाहिए। और इस तरीके से रौनक रॉय ने अपने इंटरव्यू में ये दुख बयां किया है जिन लोगों को आज के समय में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।